जी मुझे तो ये लगता है दैट यू नो एक्टर्स हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि हमें अपने काम से प्यार है, लेकिन जब दूसरे लोग प्यार दें, वैलिडेशन दें, उनको हमारा काम अच्छा लगे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है. अतरंगी एज अ फिल्म स्पेशली आई थिंक इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. मैं बोल चुकी हूँ पहले, मैं फिर बोलूँगी कि 2020 में शायद मेरी ज़िंदगी में एक ही अच्छी चीज़ हुई थी, जो है अतरंगी की शूट. तो जी हाँ, आज उम्मीद है कि मैं उसके लिए कुछ जीतने वाली हूँ. एंड आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आनंद जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू धनुष, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अक्षय सर एंड द होल टीम, एंड आई एम हियर टू सेलिब्रेट इट, सो आई एम वेरी हैप्पी. तो अभी जामतारा सीजन 2 आने वाली है, आई एम वेटिंग फॉर दैट. मैंने दिल्ली क्राइम सीजन 2 देखी, आई एम अ ह्यूज शेफाली शाह मैम फैन, ह्यूज. तो एक्चुअली मैंने दिल धड़कने तो हाल ही में देखी थी फ्लाइट पर वापस, ऑफकोर्स आई हैड सीन इट बिफोर, और फिर मैंने डार्लिंग्स देखी और मैंने जलसा देखी, एंड आई वाज जस्ट लाइक यार हाउ कैन वन एक्टर जस्ट बी सो वर्सेटाइल. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शेफाली मैम, सो आई थिंक दिल्ली क्राइम 2 एंड नाउ अवेटिंग जामतारा सीजन 2. वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है दैट आई रियली लव माई वर्क, एंड चाहे वो थिएटर पर हो या चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर हो, एज लॉन्ग एज आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट आई लव डूइंग, एज लॉन्ग एज आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू एंटरटेन एंड पीपल इन्जॉय माई वर्क, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी मोस्ट. क्वीन हूँ मैं, थैंक यू. या आपने मुझे कोऑर्डिनेट किया है, मैं बताना चाहती हूँ. पता है मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है जब मुझे लगने वाला है ना कि कोई मुझे फंसाने वाला है, तो वो वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं बस इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी. नहीं 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 नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, नहीं मुझे नहीं बार बोलना इस बारे में, मुझे बात ही नहीं करनी. हाँ ओके, थैंक यू. बस खुश हूँ कि 2022 ये जो पूरा साल गया है भूल भुलैया की वजह से मेरा
जिस तरीके का रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। धमाका के साथ जब लास्ट ईयर आया था तो धमाका ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था। मेरे लिए OTT डेब्यू था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको इतना सराहा गया। और जिस तरीके से आज तक अर्जुन पाठक के फैंस और अर्जुन पाठक को इतना स्पेशल जगह फैंस ने रखा हुआ है अपने पास, आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। उसके बारे में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आशिकी 3 के लिए, लेकिन उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई थिंक धीरे धीरे आएगी। थैंक यू। रहती हूँ जैसे मैं थर्सडे को रहती हूँ, बट येस ऑफकोर्स अब एक अच्छी जो पिक्चर की है जिसका टाइटल है थर्सडे, सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ ह्यूज, जो भी आप करें एक सिग्निफिकेंस रह जाता है। सो आई एम होपिंग कि इसके बाद बाकी दिनों के भी सीक्वल मिल जाए हमें, तो बाकी दिन भी बहुत अच्छे हो जाए। आई थिंक जो सबसे अहम चीज़ हुई है OTT प्लेटफॉर्म से इज दैट एवरीबडी, no matter you know who they are, there's people have had the ability to break out of a box, to chahe wo storytelling ho, chahe wo script ho, chahe wo characterization ho, you know there is work for everyone, and as long as you're good, as long as you're dedicated. And I also feel like they say that Mumbai is the land of opportunity, I also think OTT is the land of opportunity. काफ़ी सारी देखी थी, राइट नाउ आई रियली एंजॉयड वॉचिंग बॉलीवुड वाइव्स, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स। अभी मैं गाड़ी में देख रही थी, सो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, एंड आई बीन वॉचिंग अ होल बंच ऑफ थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, पत्थर को कोहिनूर मान रहा है कोई अच्छी बात है सबको। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि 29 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, काफ़ी उतार चढ़ाव, इस काम अच्छा करने की नियत रही है हमेशा से। बाकी शब्द दर्शक देते हैं, पत्रकार बंधु देते हैं, और उसको स्वीकार भी करता हूँ। निधन हुआ है, कोहिनूर हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती से बाहर गया है, और सारे देशवासियों की तरह मैं भी चाहूँगा कि कोहिनूर भारत को फिर वापस आ जाए। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं फिल्में और
सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि मेरा काम है और मेरा जुनून भी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक इंडियन प्रेडेटर करके है वो मैंने ख़त्म किया, उसका दूसरा सीज़न आया हुआ है। डेली क्राइम देखी है, ये सारे अच्छे हैं। फैमिली मैन 3 के बारे में मुझसे अच्छा अमेज़ॉन ही बता सकता है कि वो कब होने वाला है। अभी तक हमें कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि वो कब शुरू करना चाहते हैं। देखिए, मैं हमेशा HT ग्रुप और HT फैमिली का हिस्सा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं यहाँ आज सेलिब्रेशन का हिस्सा हूँ। एंड ऑनेस्टली इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय HT कि एक ऐसा अवार्ड फंक्शन दे आर होल्डिंग एन अवार्ड फंक्शन जहाँ पर पैन इंडिया एक्टर्स दे आर ब्रिंगिंग देम अंडर वन रूफ एंड दे आर अवार्डिंग देम। सो इट इज़ ग्रेट कि टैलेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ बीइंग अवार्डेड। सो आई फील सो गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स दो जगह। अच्छा लगा आपको? बस आपको अच्छा लगा ना? खत्म। थैंक यू। सर, ये अभी जो बिजॉय सर की शूट चल रही है, इसके पहले उसके लिए लंबे बाल हैं, और इससे पहले जो संजय गुप्ता सर की फिल्म कंप्लीट करी उसमें भी लंबे बाल हैं, और बिजॉय सर का थोड़ा सा एक 18 दिन का शूट बाकी रहता है तो उसके लिए बाल लंबे ही होते जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया तो मैं छोटी बना ली। बहुत मुश्किल है, देख रहे हो क्या हालत है। हाँ, आप अगर विश कर दोगे तो शायद जीवन में पहली बार कुछ अवार्ड मिल जाएगा। पहली बार ऐसा लग रहा है कुछ तो, मुझे तो वैसे कोई बुलाते नहीं अवार्ड्स पे, कभी मैं नॉमिनेट भी नहीं हुआ। एक बार हुआ था सनम तेरी कसम के लिए, फिल्म फेयर नहीं गया, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल जब कोई याद रखता है। सो आई फील एज एन आर्टिस्ट यू फील गुड। मैं अभी तो एक्चुअली पिछले 4 महीने से मैं शूट ही कर रहा था तो मैं कुछ भी देख नहीं पाया। मैं सुना बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आई हैं उसके लिए, बट संजय गुप्ता सर की वो मिरांडा ब्रदर्स और फिर अभी दंगे शूट कर रहा था तो आई कुडंट सी एनी। बहुत टाइम के बाद आपको देख के बड़ा अच्छा। थैंक यू। आते वो साइड आते हैं ना। हेलो महारानी, मॉडर्न महारानी। आज के आउटफिट के बारे में
आई थिंक OTT अवार्ड है, सो मुझे भी लगा कि मैं भी थोड़ी OTT हो जाती हूँ. सो आई लव दिस पैन सूट एंड मेरा आई डोंट नो आई फेल्ट बाय इंडियन आफ्टर वेयरिंग इट, तो मैंने सोचा नथ भी पहन लेती हूँ. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लुक दैट माई स्टाइलिस्ट नुपुर हैज पुट टुगेदर एंड द आउटफिट इज़ बाय रणबीर मुखर्जी एंड जूल्स बाय रुबायू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सिंपली बिकॉज इतना अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है, दैट्स वी आर हैविंग दीज अवार्ड्स. एंड आई थिंक हमारी जो इंडस्ट्री में अभी हो रहा है ना, दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज, दिस इज़ लिटरली द फेज ऑफ चेंज, जहाँ पे वो हम ट्रांजिशन से ऑलमोस्ट एक नए दौर पे आ चुके हैं एंड दिस इज़ लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर दैट. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. थैंक यू. विच वे? बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जैसा कि देख रहे हैं आप सब, बहुत ही अच्छा टर्नआउट है. सो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे सारे अच्छे आर्टिस्ट, सारे अच्छे कलाकार गैदर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि OTT कितना बढ़ गया है, कितना आगे OTT का जो अब माध्यम है कितना आगे बढ़ गया है, देख के बहुत अच्छा लगता है. मेरा तो मेरा ही वाला यार, अभी तक जो मेरा ग्राइंड है वही सबसे अच्छा है, वो करना चाहती ग्राइंड. मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है, समथिंग आई फॉरगॉट द लास्ट लिरिक. तो मेरा एक वेब शो आ रहा है विकास बहल जी के साथ, जिसका नाम है द कैंसर बिच, जो सोनी लिव पर रिलीज़ होगा. उसके अलावा MX पे एक वेब शो आ रहा है और अब ओरिजिनल म्यूज़िक मेरा जो मैंने गाया है वो रिलीज़ हो रहा है. तो पहला म्यूज़िक वीडियो इस मंथ एंड तक रिलीज़ होगा, जिसका नाम है जुनून, और फिर हर महीने नए गाने ओरिजिनल सॉन्ग्स आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तब तो फिल्म के अलावा कुछ था ही नहीं भैया. हाँ बहुत ज़बरदस्त बदलाव है, स्पेशली टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा हो गया. आज OTT जो है वो सिर्फ थिएटर में, तो सिर्फ हिंदुस्तान में देखते हैं लोग, या कुछ पॉकेट्स में अब्रॉड रिलीज़ होती हैं, लेकिन OTT पे तो आप समझो कि पूरे संसार में रिलीज़ होती है. कहीं 110 कंट्रीज़ हैं, 120 कंट्रीज़ हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग वो हैं, तो मतलब कितनी वाइड रेंज हो गई है. और दूसरी याद कि फिल्म मेकर्स को आज़ादी है कुछ भी सब्जेक्ट पे बनाने की, तो कितने नए सब्जेक्ट जो हैं वो ट्राई किए जाते हैं, नई नई चीज़ें जो सीरीज़ बन रही हैं या जो डायरेक्ट OTT फिल्म्स हैं. मैं तो खुद बना चुका हूँ लास्ट ईयर कागज़, यू नो,
अब कागज जैसी पिक्चर कहाँ थिएटर में हो सकता है कि नहीं इतना वो है, लेकिन OTT पे जो उसका रीच हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ असल में। सो आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट चेंज एंड ग्रेट चेंज फॉर एवरीवन। नहीं, राइटर्स की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा तो नहीं है राइटर्स की कमी है, बल्कि अब तो राइटर्स ज़्यादा आ रहे हैं, कितने यंग राइटर्स एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, कई बार बहुत अच्छी पिक्चरें बहुत ज़्यादा बनती हैं, कई बार बहुत ख़राब पिक्चरें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो कई बार ये जस्ट द फेज, आई थिंक ये फेज निकल जाएगा 100%, लोग सीखेंगे और कुछ नया कॉन्टेंट बनाएंगे। लेकिन ये है कि अच्छी फिल्मों का और नए कॉन्टेंट का और जो पावरफुल कंटेंट है और थोड़ा स्टार सिस्टम जो थोड़ा सा ये हो रहा है कि आज कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार की पिक्चर देखने जाएंगे, आज कोई भी अच्छा एक्टर हो वो अच्छे किरदार में हो तो वो किरदार जो है वो फिल्म को लेके आगे जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी, आप ये कर। हाय जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली एक अवार्ड शो में बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कोविड के भी पहले से मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बड़े टाइम के बाद। रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जी जी जी, मैंने एक फाउंडेशन नाम के शो में एक गेस्ट अपीयरेंस करी है, वो उसका सीज़न 2 एप्पल टीवी पे आने वाला है। और एक शो अभी बस इंडिया में हमने फिल्म करना ख़त्म किया, और एक हैप्पी टीचर्स डे एक फिल्म है जो मैडॉक के साथ मैं करने वाली हूँ, तो उसकी शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। जी एक्चुअली जो मेरी फेवरेट मेरे को स्कैम बहुत पसंद आया था, मैंने स्कैम बहुत पसंद किया था, और मैंने पाताल लोक एक्चुअली देखा नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। सो आई हैव हर्ड वेरी वेरी गुड थिंग्स अबाउट इट, सो थैंक यू। थैंक यू। हेलो, यस प्लीज फिनिश ऑफ। No problem. Thank you very much. Yeah, I'm very excited. This is my first award on the national level. And I would like to thank the creators of the show, Siddharth Roy Kapoor, the producer, the creators Rohan, Chagu Dattacharya, and of course my lovely co-actor, Lavina Tandon, without whom this show wouldn't have been possible. Thank you very much. Thank you. वेरी बल्कि ये मेरी पहली OTT प्लेटफॉर्म अवार्ड्स मैं अटेंड कर रही हूँ। नॉर्मली इट्स फिल्म अवार्ड्स, दिस इज़ फर्स्ट टाइम OTT अवार्ड्स फॉर मी।
अभी जो मैंने बताया है वो शो में बताया है उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हाय, आई एम लाइक नीलम सेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम, सो इट्स गुड एंड इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। HT has done such a good job, so we're having fun. Thank you. Now come, what do कैसे देखती हूँ, लेकिन आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स इट्स ऑल गुड। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम एंड OTT इज समथिंग जिसने एक काफ़ी हमारे एक्टर्स को एक नया लाइफ दिया है, एक नया रूप दिया है। हमारे फिल्म मेकर्स भी जो शायद हम स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे नहीं दिखा पाते हैं, हम OTT पे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी दिखा पाते हैं और उसके लिए एक नीश ऑडियंस भी है। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन आर इंडस्ट्री। थैंक यू गाइस। Ma'am, this way. Now I go back there. Center.
Hi. How are you? Yeah. I'm doing good. Binge watch. Binge. Waiting for your review. Yeah. Last time I've given up. Yeah, fantastic review. Come on, you have to do it. I will. In the process. And the same funny one-liner. The way you put it. Yeah. That's the way. And the whole Chandigarh thing. Okay. Yes. Yeah. I will. You have to. Waiting for it. See you. Nice. Yes, bro. एक सेकेंड. Yes, so मैं पहना हूँ निवेदिता साहू एंड इज बीइंग स्टाइल्ड बाय पीयू मिश्रा. अच्छा लगा आपको तो, थैंक यू. काइंड ऑफ कलर सिमिलर जोन में हमारे. क्या कुछ देख रहा हूँ मैं अभी, क्या देख रहा हूँ अभी, लास्ट मैं कुछ अमेज़ॉन का शो देख रहा था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ. वाओ, निको मिको कोई तो एक मूवी देखी है मैंने, और एक कोई OTT पे शो देखा जिसका मैं नाम नहीं याद आ रहा, बट अमेज़ॉन बोलते. बट महारानी मैं एक्चुअली 1 ख़त्म कर रहा हूँ. या सॉरी, हाँ इसे ख़त्म तो करूँ ना पहले. यस यस यस. हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो उस प्यार को मैं बहुत अच्छे तरीके से समेट रहा हूँ, बस बटोर रहा हूँ. एंड या विल डेफिनेटली विल गेट अ चांस टू सी मी इन सम OTT प्लेटफॉर्म. ओके ब्रो, ये स्टार है. अरे मेकर है ये. तुझसे मुलाकात होती रहती है, अच्छा लगता है. सर, बात आपकी बढ़ती जा रही है, इस तरह से OTT का बात बढ़ती जा रही है, इस तरह से अच्छा लगता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. बिकॉज ऑफ OTT की वजह से इतने सारे नए शोज बन रहे हैं, इतना नया टैलेंट आ रहा है, और मुझे इतनी खुशी है कि जितने भी OTT के एक्टर हमने ढूंढे वो आज इतना बड़ा नाम हो गया है, वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, उनकी वजह से OTT के शोज भी नहीं बनते हैं. तो अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अच्छा मौका है कि नए और टैलेंट को ला सकता हूँ, नया मौका मिल रहा है. हाँ, दिन भर लगातार टचवुड बहुत सारे फ़ोन आते हैं, हर डायरेक्टर के, हर बड़ा डायरेक्टर, हर बड़ा प्रोड्यूसर, हर चैनल के, हर बड़े प्लेटफॉर्म के, सबके फ़ोन आते हैं. अच्छा लगता है, टचवुड ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे लाइफ में भाई, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे, यही होना चाहिए. कोई ऐसा शो आप देख रहे हैं जो आपका फेवरेट हो? यार मैंने अभी रिसेंटली अपने ही शो जो देखे वो डेली क्राइम देखा, महारानी देखा, और मेरा फेवरेट तो ऑफकोर्स फैमिली मैन 1-2. एंड ऐसा नहीं है कि सब मेरे ही शो, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो जनरली बहुत अच्छे लगे शो, और कास्टिंग भी अच्छे लगे मुझे. मुझे भी एक्टिंग करना चाहिए. हाँ मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं जिस काम के लिए बना मुझे वही काम करना चाहिए, और जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं कास्टिंग ही डिज़र्व करता हूँ, और मैं पिक्चर बनाना डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे वही काम करना है, मैं बहुत खुश हूँ. झलकियाँ मैं कैमियो इसलिए करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है. मैंने गैंग्स ऑफ वसीपुर हो, लव शो, वो बहुत से फिल्मों में ऐसे कैमियो किए हैं, बिकॉज मुझे लगता है डायरेक्टर मुझे बोलते हैं कि लक्की चाम है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे लिए ब्रेक हो जाता है एक छोटा सा रोल करने में.
लेकिन मेरा जो मेन काम है वो दूसरों को और मौका देने का, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और लोगों को और मौका दूँ। हाँ, वो लोग मेरे बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है कि मैं करण को और दिन दोनों को अच्छे तेजस्वी को बहुत अच्छी फिल्म में कास्ट करूँ, मेरी बातचीत हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उन लोगों को पब्लिक बहुत पसंद करती है, और ये सही वक्त है कि उन लोगों को अभी फिल्म में आना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी से जल्दी उन दोनों को फिल्म में लाया जाए। थैंक यू। सारा जी भाई।